अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है कंप्यूटर, लेक्चर नंबर 2, क्लास थ्री का लेक्चर नंबर 2 है, सब्जेक्ट कंप्यूटर का। उम्मीद है कि आपको फर्स्ट लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी जो हमने 2 क्वेश्चंस किए थे। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन वर्ड्स। कहते हैं हमने खाली जगह पूरी करनी है लेकिन जो हमें वर्ड्स दिए गए हैं उनकी मदद से। कहते हैं फर्स्ट हमारे पास डैश आर द फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर डैट वी सी एंड टच। कहते हैं वो कौन से हिस्से हैं जिनको हम कंप्यूटर के अंदर छू सकते हैं, देख सकते हैं और उनको हम क्या कहते हैं। तो हम वो चीज़ें हमारे पास कौन सी होती है, हार्डवेयर थिंग्स होती हैं लाइक मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, ये क्या है हमारे पास हार्डवेयर है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हार्डवेयर लिख देंगे। कहते हैं नेक्स्ट है व्हेन यू मूव द माउस। कहते हैं जब हम माउस को हम हरकत देते हैं एंड डैश मूव ऑन द स्क्रीन, तो फिर क्या हरकत करती हुई हमें स्क्रीन पर नज़र आती है, एरो है ना। जब हम माउस को हलाते हैं या उसको चलाते हैं तो हमें क्या स्क्रीन पे नज़र आता है, एरो घूमते हुए नज़र आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, स्पीकर गिव अस इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डैश। कहते हैं स्पीकर जो है हमें किस चीज़ की इंफॉर्मेशन देता है, साउंड्स की। ठीक है, अ डैश डिवाइस इज़ यूज्ड इन कंप्यूटर्स टू स्टोर डाटा एंड इंफॉर्मेशन। कहते हैं एक डिवाइस है उसको हम इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने के लिए और इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो वो क्या है हमारे पास, स्टोरेज। अ स्टोरेज डिवाइस इज़ यूज्ड इन कंप्यूटर टू स्टोर डाटा एंड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारे पास डीवीडी और ब्लू रे डिस्क और डैश इन शेप। कहते हैं डीवीडी और ब्लू रे की जो डिस्क है उसकी शक्ल कैसी है, वो राउंड है यानी गोल है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया, हमने उनके क्या करने आंसर देने हैं। फर्स्ट ऑफ व्हाट द डेफिनेशन ऑफ हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है, और हार्डवेयर आर द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर डैट वी सी एंड टच इज कॉल्ड अ हार्डवेयर। यानी कि हार्डवेयर वही हिस्से हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर इनपुट डिवाइस, गिव एग्जांपल। कहते हैं इनपुट डिवाइस क्या है और इसकी एग्जांपल देनी है। द डिवाइस विच यू यूज टू एंटर इंफॉर्मेशन इन टू कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस। कहते हैं ऐसी डिवाइस जिनको आप इस्तेमाल करके इंफॉर्मेशन देते हैं कंप्यूटर के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड जिसे हम टाइपिंग करते हैं, कोई स्पेशली सिंबल यूज़ करने के लिए, फिर अल्फ़ाबेट को यूज़ करने के लिए टाइपिंग करनी होती है ना, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, कीबोर्ड। माउस, हमने किसी चीज़ को सिलेक्ट करना है, किसी आइटम्स को हमने सेलेक्ट करना है, उसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, माउस की, जिसको हम छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, एंड स्कैनर। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर आउटपुट डिवाइस, गिव एग्जांपल। नेक्स्ट पेज पर आ जाए, ये देखिए द डिवाइस यूज टू ट्रांसफर डाटा आउट ऑफ द कंप्यूटर आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। कहते हैं ऐसी डिवाइस जो हम इस्तेमाल तो करते हैं डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए लेकिन आउट ऑफ कंप्यूटर से बाहर होती हैं, आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। फॉर एग्जांपल मॉनिटर, स्पीकर एंड प्रिंटर। ठीक है, ये क्या है, मॉनिटर बाहर ही होता है ना, वो कंप्यूटर के अंदर तो नहीं होता। स्पीकर भी क्या है, वो एक साइड पे पड़े होते हैं, और एंड प्रिंटर वो भी एक साइड पे पड़े होते हैं। लेकिन हमें ये क्या यूज़ करते हैं, हम इनसे इंफॉर्मेशन लेने के लिए, हमें अपना जो डाटा होता है वो ट्रांसफ़र करने के लिए जो चीज़ हमें यूज़ पर होती है वो हम हमारे पास क्या होती है, आउटपुट डिवाइस होती है। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज़ द मेन स्टोरेज डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर। कहते हैं कंप्यूटर की जो मेन स्टोरेज डिवाइस है वो क्या है, हार्ड डिस्क इज़ द मेन स्टोरेज ऑफ अ कंप्यूटर। हार्ड डिस्क क्या है, वो स्टोरेज की मेन स्टोरेज है कंप्यूटर की। ठीक है, मेक अ लिस्ट ऑफ हार्डवेयर डैट इनसाइड द सिस्टम यूनिट। कहते हैं हमने एक लिस्ट बनानी है किसकी, जो सिस्टम यूनिट के अंदर होती है। फर्स्ट कूलिंग, जो एक फैन लगा होता है ना सीपीयू में। सेकंड रैम, जो स्टोरेज बनाता है, हम कितनी रैम तक हम बना सकते हैं। थ्री डीवीडी ड्राइव,
हार्ड डिस्क साउंड कार्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर आपको कोई भी इसमें क्वेश्चंस में कोई भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो आपने मेरे से ग्रुप में पूछ लेना है। और आज हमारा लेक्चर नंबर 2 था और हमारा चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट हो जाता है। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।